भाइयों, आज मैं आपको एक चालाक मछुआरे की कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले सभी दोस्तों को जय भोलेनाथ। बहुत पुरानी बात है, एक बार बादशाह ने वजीर से कहा कि जाओ शुद्ध और ताजा मछलियों का इंतजाम करो, आज हम मछलियाँ खाएंगे। जी हुजूर, अभी इंतजाम किए देता हूँ। फिर वजीर एक मछुआरे के पास गया और कहा कि आज शाम को तुमको ताजा और फ्रेश मछलियाँ लेकर बादशाह के घर पहुँचाना है। तो मछुआरे ने कहा जी हुजूर। फिर वह मछुआरा मछलियाँ पकड़ने के लिए चला गया, पर हुआ यूं कि दिन भर में उस मछुआरे के हाथ में एक भी मछलियाँ नहीं लगी। शाम होने को आई तो मछुआरे ने सोचा कि आप बादशाह के घर मछलियाँ कैसे पहुँचाए। फिर मछुआरा अपने घर आया और पिछले दिन की मछलियाँ उसके घर पर रखी थी तो वह उन्हीं मछलियों को एक टोकरी में रखकर बादशाह के घर पहुंचा और बादशाह से बोला, हुजूर मैं ताजा मछलियाँ ले आया हूँ, कृपया आप इन्हें देख लीजिए। तो बादशाह ने मन में सोचा कि हमने ताजा मछलियों की बोला था तो ताजा मछलियाँ ही लाया होगा, अरे बासी लाकर देगा तो उसको डर लगेगा कि हमको बादशाह कहीं सजा ना दे दे। फिर बादशाह ने गुरूर के साथ बोला कि हाँ ठीक है, बोलो इसकी कीमत क्या दूं। मछुआरे ने कहा, हुजूर 500 रुपए दे दीजिए। फिर बादशाह ने मछुआरे को 500 रुपए दे दिए और साथ में 100 रुपए इनाम भी दिए। फिर मछुआरा वहां से चलने लगा, पर इतने में ही बादशाह की बेगम आ गई और मछलियों को देखा कि मछलियां तो बासी है। तो बेगम ने बादशाह से धीरे से कहा कि इन मछलियों को वापस कर दो, ये मछलियां तो बासी है। तो बादशाह ने मन में सोचा कि अगर हम मछलियों को वापस कर देंगे और पैसे वापस मांगेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मोदी जी, क्या इज्जत बचाने के चक्कर में बासी कुसी सड़ा फिरा माल ही खा पी लिया जाए क्या? हाँ भैया, पर इज्जत की बात थी। तो बादशाह ने बेगम से कहा कि तुम इन मछलियों को फेंक देना, पर पैसे वापस लेने की बात मत करो। तो बेगम ने कहा, हुजूर मैं तुमको एक बात बताती हूँ, तुम मछुआरे से कहना कि हमें नर मछली चाहिए और मैं कहूँगी कि मुझे मादा मछली चाहिए। अगर नर मछली भी होगी तो भी अपन नहीं लेंगे और मादा होगी तो भी नहीं लेंगे। इस तरह मछुआरा खुद ही अपनी मछलियों को वापस ले जाएगा और पैसे वापस कर देगा। फिर बादशाह ने मछुआरे को बुलाया और कहा कि ये कौन सी मछलियाँ है, हमें तो नर मछली खाना है। फिर बेगम बोली, मुझे मादा मछली खानी है। तो उनकी बातें सुनकर मछुआरे ने कहा, क्योंकि मछुआरा भी बड़ा चालाक था, हुजूर ये ना तो नर है और ना मादा है, ये तो बीच की मछलियाँ है। तो बादशाह खुश हो गया और इनाम के तौर पर 1000 रुपए और दे दिए मछुआरे को। लेकिन इनाम देते समय 1 रुपया नीचे गिर गया तो मछुआरे ने धीरे से वह रुपया उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। पर यह सब बेगम साहिबा ने देख लिया और मछुआरे से कहा कि तुमने यहाँ से चोरी से क्या उठाया है, तुम तो मेरे को चोर दिखाई देते हो, तुमको इसकी सजा मिलेगी, बोलो क्या कीमती सामान उठाया है। फिर मछुआरे ने धीरे से कहा, हुजूर मैंने नीचे से 1 रुपया उठाया हूँ, अगर यह रुपया जमीन पर पड़ा रहता तो ना जाने कितनों के पैर इसके ऊपर रखाते, तो मैंने इस रुपये को उठाकर अपने सामने वाली जेब में रखा हूँ, क्योंकि इस रुपये में आपकी फोटो लगी थी, मैं आपकी फोटो की बेइज्जती होते कैसे देख सकता था, तो मैंने इस रुपये को अपने सीने से दिल के पास रखा हूँ। मेरी नजर में आपकी कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। फिर क्या था, बादशाह तो सातवें आसमान पर चढ़ गया, वो सोचने लगा कि मछुआरा मेरी कितनी इज्जत और मान सम्मान करता है और मैं खामखा उसकी मछलियों की बेइज्जती कर रहा हूँ। फिर बादशाह ने मछुआरे को 1 लाख रुपए और इनाम दे दिया। फिर मछुआरे ने सोचा कि बेटा बहुत इनाम हो चुका बासी मछलियों का, अब तो धीरे से निकल लेना चाहिए। फिर मछुआरे ने बादशाह को प्रणाम किया और जाने की इजाजत ली और वहां से चल पड़ा। इधर बेगम ने बादशाह से कहा कि हुजूर मेरी बात तो सुनो तो सही। तो बादशाह ने जवाब दिया, मोदी जी बादशाह ने कहा होगा कि 500 रुपए की मछली के पूरे 1,01,100 रुपए इनाम दिलवा चुकी है, ज्यादा बातें बोल के आप क्या मेरे कपड़े भी इनाम में दिलवाएगी और ज्यादा दिमाग लगा के, अरे जेब में अब तो फूटी कौड़ी भी नहीं है,
हाँ भैया कुछ ऐसा ही कहा और कहानी खत्म। तो भैया आदमी को एक तो अपनी ज्यादा अकल नहीं लगाना चाहिए, उल्टा नुकसान हो जाता है, और झूठ मूठ की बड़ाई में भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नहीं तो बादशाह की तरह जेब खाली हो जाती है। वाह भाई मोदी जी, बड़ी ही हास्यमय कहानी सुनाई, सुनकर मजा आ गया। और भाइयों आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।